आज हमारा देश आजाद है। ये आजादी खरात में नहीं मिली थी, ये हिंदुस्तान ऋणी है। किसका ऋणी है? जो खागे सीने ऊपर गोली, खेल गए खून की जो होली, वह मिट के गए जानते। आज हमारा देश उनका ऋणी है। भगत सिंह का आजादी की लगी बालकपन में चीस, अंग्रेजा की करतूत देख को ही काम टीस। करीना किश्य की भी रीस, 20-30 साथी लेके धर्म की गति लेके, टूटे फांसी शांते वह मिट के गए जानते। हमारा देश उनका ऋणी है। लाला लाजपत राय को आ गया पंजाब वाला शेर, साइमन के विरोध में कर गया अपनी कहाँ का ढेर। तजीना देश प्रेम की मेल, देर सवेर करे था सेवा, करना पार चाहे था खेवा, ना भाजा कदे मदानते वह मिट के गए जानते। हमारा देश उनका ऋणी है। नेताजी ने जोहड़ी करके मांग लिया था खून, शंगापुर के मैदान में उसने सीधी मारी दून। गोरे दिए बून जून मान साड़ी लेके, जय हिंद का नारा देके, बंगाली गया हिंदुस्तान ते वह मिट के गए जानते। आज हमारा देश उनका ऋणी है। और उसका ऋणी है लोगों जिसका खाली स्थान आज तक नहीं भरन पाया। या आजादी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में से छीन के लेगी, उसका खाली स्थान आज तक नहीं भरा। कौन था? दादा जाट मेहर सिंह लागे थे आजादी का नारा, नगर बरौने बीच मेरा सच्चा गुरु द्वारा। मन तो लग गए से घना प्यारा, सारा खेल से दो दिन का, रोता सलाठर ज्ञान भजन का, छंद दरिया कर ध्यानते वो मिट के गए जानते। हमारा देश उनका ऋणी है। सुनिए किसका ऋणी है। मान बढ़ाया वीरों ने, आजादी की बलि वेदी पर शरतार चढ़ाया वीरों ने। एक दो का काम नहीं था लोगों, अंग्रेजी रिकॉर्ड में लिख रखे कितने, 7,32,000 खप अंग्रेजा के हाथ गए। कोई फांसी कोई सूली थे कुचले उनके जज्बात गए, शहर गांव और देश प्रगने छोट पिता और मात गए। फिर भी कहते शर्म नाई के चरखी से गोरे विलात गए। इतिहास में कुछ भी लिख दो घर का कागज छाई थी, क्यों बोलो सो झूठ साहब के चरखे ते आजादी आई थी। पहले नंबर में क्या था? भाई भगत सिंह के आजादी की, भगत सिंह के आजादी की, बालकपन में चीस लगी, राज विदेशी खटक गया लोगों, भीतर ले में चीस लगी। एक से दो और दो से चार न्यू, एक दूजे की रीस लगी, सरदान के गुरु कुल में पटन की नाथीस लगी। गुलामी से तो मौत बली है, गुलामी से तो मौत बली है, ये पाठ पढ़ाया वीरों ने।
मेरे लिए आदरणीय मेरे गुरु समान कैप्टन सतपाल नरवाल जी, आदरणीय रणबीर शर्मा जी, आदरणीय बंटी सांपला जी, आदरणीय मदन मलिक मलिक कैशेट से 100-100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, मान सम्मान करते हैं, सभी महानुभावों का बार बार धन्यवाद। एक भाई साहब 100 रुपए और दे के गए, इनका भी बार बार धन्यवाद। बड़वासिनी गांव के सरपंच साहब सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आपके सामने जो रिकॉर्डिंग चली हुई है पी मलिक, ये भाई साहब रामचंद्र जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय मनोज कुमार जी आज के कार्यक्रम के आयोजक 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद। लोगों, जब भगत सिंह को असेंबली हाल में गोला फेंकन के जुर्म में पकड़ गए और अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और मजिस्ट्रेट ने ऊपर तले तो ध्यान से देखा, मोहित हो गया, ने बोला भगत सिंह जब तू मेरी बात मान ले मैं क्या करूं, के जी जब आपकी बात मानू आप क्या करो, जब तू संघर्ष का रास्ता छोड़ के मारी कान आ जा, मेरे घर एक 19 साल की नौजवान सुंदर बेटी है, मैं वहां लड़की तरह ब्याह दूंगा, तेरा अपना दामाद बना लूंगा, जमाई बना लूंगा। भगत सिंह ने बोला मजिस्ट्रेट साहब हमारे हिंदुस्तान में दहेज लेने देने की प्रथा है, अगर आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करोगे तो मैं दहेज लूंगा। मजिस्ट्रेट ने बोला भगत सिंह तू मुंह खोल, तेरे को हिंदुस्तान की सरजमीन से उठा के ब्रिटेन में ले जाऊंगा, तेरे लिए घोड़े गाड़ी नौकर चाकर कोठी बंगले होंगे। लोगों भगत सिंह फिर आशा ने बोला मजिस्ट्रेट साहब अगर आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं दहेज में आजादी लूंगा, ये हिंदुस्तान उनकारी नहीं है। सुनिए दूसरे नंबर पर क्या कहा, राजेंद्र लाड़ी, राजेंद्र लाड़ी नाम सुनिया हो, राजेंद्र लाड़ी नाम सुनिया हो, आजादी पे लाल खपके चंद्रशेखर राम प्रसाद थे भारत के बाल खपके, यश फगयू लारयू दम शंग खज विपिन चंदर पाल खपके, लाला जी भी नहीं दिखता खुद गंगा दर पाल खपके, लाला जी भी नहीं दिखता खुद गंगा दर पाल खपके, और अन्यता जी की पुकार के ऊपर साथी डुमरखा गांव के रहने वाले दलबाग सिंह कौशिक जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, राम कुमार पंडित जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और भी 2-3 साथी सम्मानित करके गए, सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा नहीं है लोगों, कई आजादी का आंदोलन में योद्धा योद्धा कुर्बानी देंगे,
हमारी माताएं भी पीछे नहीं थी। 11 साल की मैना देवी नाना साहब की बेटी, जब अंग्रेजों ने मकान घेर लिया और पूछा क्या लड़की तेरे पिताजी कहाँ हैं, जो बोली मैं अपने पिता का पता बता के देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता। मारी पीटी धमकाई, जब नहीं मानी तो मकान के साथ में एक लकड़ियों का ढेर था उसका ऊपर फेंक के और आग लाई दी। वह मैना देवी जिंदी अपनी शहादत देगी लेकिन अपने बाप का पता नहीं पता। दादा ने लिखा एक जगह, उठे सो सोमन की जाल हाल सुन जाशी वाली रानी का, अग्नि के मा गात तपा दिया मैना देवी यानी का, धरती पर ते छोरा खोया और फूलजाट जुलानी का, पढ़े लिखे पर पता चले ना अंग्रेज जाएगी कहानी का। मेर सिंह जाट ने भेद तो दिया डारी बही और खाचा मते, चाल साज अंग्रेज जूती लकड़ी सात बिलाता मते। सुनिए तीसरे नंबर पर क्या कहा, लोगो बेटा बांध लिया धड़कड़ के, बेटा बांध लिया धड़कड़ के, जाशी वाली रानी ने बचपन के माँ जई शहादत, मैना देवी यानी ने कैसे मुल्क बोला देगा दुर्गा भाभी की जवानी ने, सारा जैसे नमन करे उसे यार फूल जाट चुलाई, वो सारा देश नमन करे उसे यार फूल जाट। और अगर कुर्बे का मौत क्या था, भैया कली पूरी होंगे सुरेश निंदानिया मेरे जी साथी अपने दलबल के साथ मंच पर आए। सुनिए चौथे नंबर पर मेरे लिए आदरणीय प्रेम सिंह दैया जी, 100 रुपए से मान सम्मान करते एक आदरणीय और 200 रुपए से मान सम्मान करके गए एक भाई ने और 100 रुपए दिए। चौथे नंबर पर सुनियो लोगों क्या कहा, वो खुया और पल होना रहा जो मेरी टक्कर में आ जाओ भाई, क्या नाम है बीमा पलवान, आ जाओ भाई। भाई सूरी है कवि, सूरी है कवि जाट मेरे संग, सूरी है कवि जाट मेरे संग, फिर पड़ेगा टोना नगर मदीने ज्ञान ले लिया, केवर था जंग जोड़ा रोता सला थर वतन की खातिर पर जा जीवन खोड़ा, जन्म लेने लाठर की धरती और पटन बरोना, जन्म लेने लाठर की धरती पटन बेला बरोना, अरे छाप जाता चंद बिगड़ गया, छाप जाता चंद बिगड़ गया, इसा चंद गड़ाया वीरों ने।